हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू रेडियंस। तो गाइस आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं कुछ इस टाइप की डीएसएलआर लवर कॉन्सेप्ट फोटो एडिटिंग। तो गाइस इस कॉन्सेप्ट के लिए बहुत से लोगों ने बोला था, और गाइस अगर आप गेम खेलकर पैसे कमाना चाहते हो तो आपको इस ऐप को जरूर से डाउनलोड करना चाहिए। टक्साल एक मोस्ट पॉपुलर ऐप है, इसमें साइन इन करने से 20 रुपये मिलेगा एंड पर रेफर आपको 10 रुपये मिल जाएंगे। मिनिमम रिडीम 200 रुपये है, अगर आप जीतते हैं तो 9 गुना पैसा मिलता है। इंस्टेंट अर्निंग ऐप है, अगर कोई प्लेयर 10 रुपये इन्वेस्ट करता है तो 90 रुपये उसको मिल जाएंगे। प्लेयर स्मार्ट अर्निंग के लिए एक बार विनिंग लिस्ट जरूर देखें नंबर प्रेडिक्ट करने से पहले, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जल्दी से जाओ उसको डाउनलोड। तो गाइस जाते हैं अपनी वीडियो की तरफ। गाइस इस वीडियो में जितने बैकग्राउंड और पीएनजी यूज हुआ उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर उसको इजीली डाउनलोड कर सकते हो। और गाइस अगर आपको डाउनलोड करना नहीं आता है तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, हाउ टू डाउनलोड माई स्टॉक, उसको देख लेना, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी कैसे क्या डाउनलोड करना है। तो गाइस अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो, एंड यार वीडियो लाइक करना तो बिल्कुल ही ना भूला। सो गाइस विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट फॉर इट। तो गाइस सबसे पहले क्या करना है, आपने इस वाले बैकग्राउंड को अपने पिक्सार्ट में ओपन कर लेना है। और गाइस यार बैकग्राउंड बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, तो यार बैकग्राउंड के लिए लाइक कर दो। और उसके बाद से सिंपल से आपने क्या करना है, ड्रॉ टूल में लेकर चले जाना है इसको, ठीक है। और यहाँ पे ऐड फोटो पे जाना है, और यहाँ पे जो गाइस बैकग्राउंड को आपको DSLR दिख रही है सेम उसी की PNG आपको मिल जाएगी, आपने उसको ऐड कर लेना है, ठीक है। और ऐड करके यहाँ पे रख लेना, फिर क्या करना है इसको ट्रांसफॉर्म पे ले जाना है, और पहले इसकी ओपेसिटी को गाइस आपने 50% डाउन कर देना है, फिर ट्रांसफॉर्म पे ले जाना है और सेम उसी के साइज बराबर एकदम मिला के आपने इसको सेट कर लेना है। फिर यहाँ पे इसकी ओपेसिटी हम फुल कर देंगे एकदम, गाइस आपने सेम उसी के बराबर में इसको सेट कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद से अब आपने यहाँ पे क्या करना है, सीधे फोटो लेयर से जाना है, और यहाँ पे गाइस आपको कुछ कैमराज की PNG मिलेगी जो गाइस ट्राइपॉड पे लगे होंगे, तो आपने इनको ऐड कर लेना है। और यहाँ पे गाइस ये बीच में होंगे, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, इस वाली लेयर को आपने जो कैमरे वाली लेयर है उसके नीचे रख लेना है, तो ये हमारा पीछे की तरफ हो जाएगा। फिर आपने क्या करना है, ट्रांसफॉर्म पे जाना है और इसको थोड़ा सा राइट साइड की तरफ रख लेना है, देन डन कर देना है। फिर क्या करना है, फिर फोटो लेयर से जाना है, और यहाँ पे गाइस जो स्टूडियो वाली लाइट होती है उसकी PNG मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे गाइस इसको हम ऐड कर लेंगे, ठीक है, और इसको ट्रांसफॉर्म पे ले जाएंगे और थोड़ा सा राइट साइड की तरफ इसको हम कर लेंगे, देन डन। और सेम ऐसे ही PNG एक और आपको मिल जाएगी, तो आपने फोटो लेयर से जाना है और उसको भी ऐड कर लेना है। आपने अभी सारी PNG को फोटो लेयर से ही ऐड करने हैं। तो गाइस यहाँ पे हमारा ये भी लग गया है, तो इन सभी PNG को गाइस हम अपने जो हमारा कैमरा वाला लेयर है उसके नीचे रख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको भी नीचे कर लेते हैं, और देन यहाँ से अब इसको डन कर लेंगे। और गाइस यहाँ से डन करने के बाद से हम फिर ड्रॉ टूल में चलते हैं, और यहाँ पे गाइस आपने ऐड फोटो पे जाना है, और गाइस अपने कटआउट को ऐड कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे गाइस हमने कटआउट बना रखा है, तो यहाँ पे गाइस हम इसको ऐड करेंगे, फिर ट्रांसफॉर्म पे ले जाएंगे, और यहाँ पे जो गाइस ये बड़ा वाला कैमरा है इसी के ऊपर हम बैठा देंगे इसको। तो आप इसमें कहीं पे भी बैठा सकते हो, जैसे यहाँ यहाँ या फिर कहीं पे भी। तो यहाँ पे गाइस हम इस साइड की तरफ इसको बैठा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे गाइस हम इसको एडजस्ट कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे अपने मॉडल को सेट कर लिया, देन डन करेंगे। फिर क्या करेंगे, एम्प्टी लेयर बनाएंगे, और यहाँ पे इस एम्प्टी लेयर को मॉडल के नीचे रखेंगे, और इसमें गाइस हम शैडो बना लेंगे। तो शैडो को काम हम गाइस जल्दी जल्दी से कर लेते हैं। तो यहाँ पे गाइस हमने अपना शैडो एकदम परफेक्टली बना लिया है, बट हमारा जो शूज है उसके नीचे शैडो की जरूरत है। तो यहाँ पे एक एम्प्टी लेयर बनाते हैं और ऐड फोटो पे जाएंगे, और यहाँ पे गाइस एक शैडो की PNG मिल जाएगी, ठीक। तो आपने उसको ऐड कर लेना है, और गाइस इसको ऐड करने के बाद से अपने शूज के नीचे लगा लेना है, और इसके साइज को छोटा रखना। तो यहाँ पे गाइस हमने इसको सेट कर लिया, देन क्या करेंगे, अब अपने ड्रॉ टूल से गाइस हम अपनी फोटो को डन कर लेंगे। यहाँ पे गाइस हमने इसको डन कर लिया, फिर क्या करेंगे, ऐड फोटो पे जाएंगे, और यहाँ पे ऐड फोटो पे जाने के बाद से एक लेंस का जो आगे वो वाला हिस्सा होता है उसकी एक PNG मिल जाएगी। तो आपने इसको ऐड कर लेना, फिर गाइस इसको स्ट्रेच करके मतलब पतला कर लेना है। यहाँ पे साइड साइड में दो डॉट दिखेगा, आपने उस पर टैप करके कर देना है साइड। फिर गाइस आपने अपने कैमरे के लेंस वाले एरिया पे इसको सेट कर लेना है, और देन इसकी ओपेसिटी आपने डाउन कर लेना है, इसको रख लेना है 60 के अराउंड, ठीक है।
और ये सेट हो जाएगा। देन क्या करना, अब आपने यहाँ से इसको डन कर देना है। और फिर क्या करना है, ऐड फोटो पे जाना है और यहाँ पे गाइस आपको एक टेक्स्ट पीएनजी मिल जाएगी, तो इसको ऐड करना है। और यहाँ पे गाइस इसको नीचे के साइड में इसको सेट कर लेना है, ठीक है। और सेट करने के बाद से इसको एफएक्स में लेके जाना है। और यहाँ गाइस इसको एफएक्स में ले जाने के बाद से कलर्स पे जाना है और यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट सेलेक्ट कर लेना है, तो ये व्हाइट कलर का हो जाएगा, ठीक है। देन डन करना है और यहाँ पे गाइस इसको नीचे ही अब रहने देना है और देन यहाँ से इसको भी डन कर लेना है। डन करने के बाद से ड्रॉ टूल में जाना है गाइस, फोटो को करना है सेव और इसको लेकर चलना है लाइट रूम में। तो गाइस यहाँ पे आ गए अपने लाइट रूम में, और लाइट रूम में आने के बाद से जो गाइस ये पहले लाइट वाला ऑप्शन दे रहा है आपने उस पर क्लिक करना है। और यहाँ ऊपर के साइड में आपको कर्व मिलेगा, कर्व पे जाना है। तो इसमें गाइस आपको एक नीचे का साइड डॉट दिखेगा कि ऊपर की साइड, तो आपने नीचे वाले को थोड़ा सा ऊपर की साइड ले जाना है, ठीक है। और फिर गाइस जहाँ पे आपका रो और कॉलम मिल रहे हैं उसको वहाँ पे एक डॉट बना देनी है कुछ इस टाइप से। देन डन कर लेना है यहाँ से इसको अब। तो इसमें गाइस थोड़ी बहुत फेडेड लुक आ जाएगी। फिर क्या करना है, इसमें कंट्रास्ट को माइनस कर देना है 30, हाईलाइट्स को आपने यहाँ पे इंक्रीज कर देना है थोड़ा सा, और 30 आपने शैडो इंक्रीज कर देना है। फिर गाइस आपने वाइटीज को थोड़ा सा माइनस कर देना है और ब्लैक्स को भी सेम रख लेना है। फिर आपने कलर पे जाना और यहाँ पे आपने टेम्प को 7-8 तक रख लेना है। फिर क्या करना है, आपने वाइब्रेंस को 40 रख लेना है। देन चले जाना है मिक्स वाले टूल पे। अब यहाँ पे चले जाना है गाइज आपने ऑरेंज कलर, और यहाँ पे इसकी सेचुरेशन को आपने डाउन करना है, लुमिनस को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेना है। फिर येलो कलर पे जाना है, उसके ह्यू को गाइज आपने माइनस करना है। ठीक, और फिर क्या करना है, आपने ब्लू कलर पे जाना है और यहाँ पे इसमें सेचुरेशन को थोड़ा सा इंक्रीज करना, ह्यू को थोड़ा सा माइनस करना, ताकि गाइस ये थोड़ा एक्वा कलर में हो जाए, ठीक है। और यहाँ से आपने इसको डन कर देना है। फिर चले जाना है नेक्स्ट वाले टूल पे, यहाँ पे आपने टेक्सचर को इंक्रीज कर लेना है। यहाँ पे इसको हम 20 या 25 के अराउंड आपने इसको रख लेना है। फिर गाइस आपने क्लियरिटी को 10 के अराउंड रख लेना है। फिर डीएज को आपने माइनस रख देना है, माइनस के 7-8, विग्नेट को माइनस के 20। फिर आपने नेक्स्ट वाले टूल पर चले जाना है, शार्पनिंग को यहाँ पे इंक्रीज कर देना है। और यहाँ पे आपने मास्किंग क्या करना है, एक हाथ से टैप कर देना है और दूसरे से इसको स्लाइड करते हुए जाना है, ठीक है। तो जब तक आपके फेस पर थोड़ा डार्क वाला एरिया ना आ जाए तब तक आपने इसको स्लाइड करना है। फिर नॉइस रिडक्शन को आपने थोड़ा सा इंक्रीज कर लेना है। अभी यहाँ पे गाइस आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा ऑसम रेडी हो गई है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ से आपने सेलेक्टिव वाले टूल पर चले जाना है और यहाँ पर प्लस के आइकन पर जाना है, तो यहाँ पर थर्ड वाला सेलेक्ट कर लेना है। और नीचे से इसमें थोड़ी डार्क शैडो देनी है, तो यहाँ पे इसमें शैडो देना है और सबको यहाँ पे ऊपर वाले लाइट वाले एरिया में माइनस कर देना है, ठीक है। तो ये गाइस हमारा डार्क शैडो रेडी हो जाएगा। तो गाइस आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी चलेगी, एंड गाइस अगर कोई वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।